हाय फ्रेंड्स, सरलास किचन में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरी चैनल आपने कभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि मेरी सब रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज मैं आपके साथ रोल कट मावा कुल्फी की रेसिपी शेयर करूँगी, वो सिर्फ आधे लीटर दूध से ये बन जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पहले क्या करना है, ये दूध मैंने फुल फैट वाला लिया है, ये अमूल गोल्ड दूध लिया है। तो फिर इसके अंदर हम 1 1/2 टेबल स्पून जितना कॉर्नफ्लोर ऐड करते हैं। आपको व्रत में खाने के लिए बनाना है तो इतनी क्वांटिटी में आरारूट ले सकते हो, और ये अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि एक भी लम्स ना रह जाए। ये मिक्स करने के बाद फिर फ्रेंड्स, अभी क्या करते हैं कि एक कढ़ाई में, अभी हमने ये आधा लीटर दूध लिया है तो इसके सामने मैं 1/2 कप जितना चीनी लेती हूँ। तो ये चीनी को पूरी कढ़ाई के बॉटम में स्प्रेड कर लेना है। तो स्प्रेड कर लेते हैं और फिर गैस ऑन कर देते हैं। गैस की फ्लेम यहाँ पे एकदम मीडियम रखनी है और थोड़ी थोड़ी चीनी मेल्ट होती जाएगी, फिर बाद में हम इसको थोड़ा हिलाएंगे। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, धीमे धीमे ये चीनी मेल्ट हो रही है। देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से ये थोड़ी थोड़ी मेल्ट होने लगी है। अब इस स्पैचुला की मदद से इसको थोड़ा मिक्स कर लेते हैं ताकि एक ही जगह पे ये मेल्ट ना हो और जल ना जाए। इसको एकदम डार्क ब्राउन आता है तब तक इसके मेल्ट करना है, यानी कि ये चीनी को हम यहाँ अभी कैरेमलाइज कर रहे हैं। और कैरेमलाइज किया हुआ चीनी का ये कुल्फी का टेस्ट बहुत बढ़िया आता है फ्रेंड्स। और ये मीडियम आंच पे ये कैरेमलाइज करना है, तेज आंच नहीं रखनी है क्योंकि चीनी नहीं तो फिर जल जाएगी। ये अच्छे से देखो कैरेमलाइज हो रही है और अच्छे से ये एकदम स्प्रेड हो गया है, और अभी इसमें एक भी क्रिस्टल नहीं रहा है और हमारी ये चीनी कैरेमलाइज हो गई है। अभी ये चीनी को कैरेमलाइज होने के बाद इसके अंदर जो हमने दूध बनाया था कॉर्नफ्लोर डाल के, वो दूध अंदर ऐड कर लेते हैं। अभी ऐड करने के बाद नीचे चीनी है ना, थोड़ा दूध के ऊपर चिपक गई होगी, तो अच्छे से हम नीचे से देखो ऐसे निकालना है और मीडियम आंच पे इसको पका लेना है, ताकि ये चीनी दूध के अंदर जितनी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी धीरे धीरे धीरे, तो इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है फ्रेंड्स। और आराम से ये चीनी मेल्ट हो जाएगी, कैरेमलाइज किया हुआ चीनी है ना, तो आराम से मेल्ट हो जाएगी। घबराइए नहीं कि ये क्यों जम गया, लेकिन मीडियम आंच पे करोगे तो बहुत अच्छे से ये मेल्ट होती जाएगी, और जैसे जैसे मेल्ट होती है तब तब ऐसे ऐसे अरोमा आती है और इसका टेस्ट बहुत बढ़िया बन जाता है कुल्फी का। यहाँ पे आप ब्राउन शुगर ले सकते हो, लेकिन ब्राउन शुगर से इतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा और जो रिज़ल्ट हमें चाहिए वो रिज़ल्ट नहीं मिलता है। तो ऐसे ही देखो आप, अभी थोड़ी सी चीनी बाकी रही है और अच्छे से ये मेल्ट हो गई है और थोड़ा कलर भी धीरे धीरे चेंज होता जाता है और बहुत अच्छी ये मावा कुल्फी का जो कलर आता है ना, वैसे कलर थोड़ा थोड़ा आने लगा है फ्रेंड्स। और कंटिन्यू इसको हिलाते रहना है तो बहुत अच्छा ये कुल्फी का टेक्सचर बन जाता है। देखिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से ये गाढ़ा होने लगा है, अभी भी और भी थोड़ा पका लेंगे। और ये हमारा कुल्फी का मिक्सर अभी रेडी हो गया है, थोड़ा गाढ़ा भी हो गया है। अभी गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं, ये कुल्फी के दूध को थोड़ा ठंडा होने देते हैं। अभी कुल्फी में डालने के लिए मावा बनाना है तो इंस्टेंट हम मावा बना लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे ये 1/2 कप मैंने मिल्क पाउडर लिया है और अभी इसके अंदर हम 1/4 कप जितना दूध ऐड करते हैं और चम्मच की मदद से मिक्स करके बहुत अच्छी एक पेस्ट बना लेते हैं। ये इंस्टेंट मावा फ्रेंड्स आपको बहुत काम आता है, हलवा बनाते हो, बासुंदी बनाते हो, रबड़ी बनाते हो या कोई भी कुल्फी बनाना है तो ये मावा बहुत यूजफुल है। तो ये अच्छे से ये एक पेस्ट हमने बना ली
और ये इंस्टेंट मावा फ्रेंड्स घर में बन जाता है, आपको हलवाई की दुकान में जाने की ज़रूरत नहीं होती है मावा के लिए। फिर अभी एक पैन में हम 1 टीस्पून जितना घी ऐड करते हैं और ये घी को पूरी पैन की बॉटम में स्प्रेड कर लेते हैं और ये मिल्क पाउडर और दूध का जो हमने पेस्ट बनाई है वो अंदर ऐड कर लेते हैं और एकदम लो फ्लेम में हमें पकाना है और अच्छे से चलाते रहता है। तो अभी अच्छे से चलाते हैं, एकदम लो फ्लेम में फ्रेंड्स ये मावा बहुत अच्छा बन जाता है, यानी खोया जो हम दूध से खोया बनाते हैं वही खोया हम यहाँ पे बना रहे हैं। आप देख सकते हो फ्रेंड्स थोड़ा थोड़ा ये गाढ़ा होने लगा है और घी डालने से फ्रेंड्स ये खोया नीचे कढ़ाई या पैन में नीचे लगता नहीं है, चिपकता नहीं है और ये अच्छे से ये हमारा खोया यानी ये मावा हमारा बन गया है। अभी क्या करते हैं, जो कुल्फी का जो दूध हमने बनाया है उसको थोड़ा मिक्स कर लेते हैं और ये थोड़ा सा गुनगुना है, देखो हाथ में लग नहीं रहा है, तो ये गुनगुने दूध में हम ये मावा ऐड कर लेते हैं यानी खोया ऐड कर लेते हैं और मिक्स कर लेते हैं। और थोड़ा गुनगुना दूध है तो थोड़ा मावा भी अच्छे से मिक्स हो जाएगा और मावा भी थोड़ा गर्म है तो अच्छे से ये मिक्स हो जाता है। अभी क्या करते हैं, एक मिक्सर जार लेते हैं और मिक्सर जार में थोड़ा सा चन कर लेते हैं। तो ये मिक्सर जार में कुल्फी का दूध अभी ऐड कर लेते हैं और चन कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा क्रश जैसा नहीं करना है, थोड़ा सा ही चलाना है। अभी देख लेते हैं, देखिए फ्रेंड्स थोड़ा ये मावा का थोड़ा थोड़ा इसे दरदरा बहुत अच्छा लगता है कुल्फी में। तो ये हमारा कुल्फी का बैटर अभी बनकर रेडी हो गया है, कुल्फी का दूध बन गया है। अभी बाउल में शिफ्ट कर लेते हैं। बाउल में शिफ्ट करने के बाद यहाँ पे 1 टीस्पून जितना इलायची का पाउडर लेते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे आप चीकू कुल्फी या बादाम का काजू बादाम कुल्फी कोई भी फ्लेवर यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे इलायची का फ्लेवर डाला है, आप कोई भी फ्लेवर की कुल्फी बना सकते हो। मैंगो को भी क्रश करके डाल सकते हो, मैंगो कुल्फी भी बहुत अच्छी बनती है फ्रेंड्स। और ये हमारा कुल्फी का दूध बनकर रेडी हो गया। अभी क्या करते हैं, घर में जो ग्लास होती है ना वो ग्लास को मैंने फ्रेश रैप से रैप कर लिया है और ये बैटर इसमें भर लेते हैं। बैटर भरने के बाद इसको थोड़ा सा टैप कर लेते हैं ताकि सब सेट हो जाए। टैप करने के बाद ऊपर से फ्रेश रैप से ऐसे बंद कर लेते हैं ताकि वो क्रिस्टल ना हो जाए। और ये बंद करने के बाद फ्रेंड्स फिर से टैप करके इसको 5 से 6 घंटे तक फ्रीजर में सेट कर लेते हैं। 6 घंटे के बाद अभी देखो हमारी ये कुल्फी सेट हो गई है। अभी चेक कर लेते हैं। इसके लिए क्या करते हैं कि थोड़ा सा पानी कोई भी बर्तन में लेके डिप करना है और डिप कर लेते हैं और फिर फ्रेश रैप ऊपर से निकाल देते हैं। वाओ देखो फ्रेंड्स एकदम सेट हो गई है हमारी रोल कट मावा कुल्फी। हाथों से थोड़ा गोल घुमा लेते हैं कि हाथों की गर्मी से जल्दी से कुल्फी अनमोल्ड हो जाए और फिर नीचे टैप कर लेते हैं और निकाल देते हैं बाहर, ग्लास में से बाहर निकाल देते हैं और ये हमारी रोल कट मावा कुल्फी बनकर रेडी हो गई है फ्रेंड्स। अभी इसको हम कट कर लेते हैं। वाओ देखिए फ्रेंड्स बहुत ही यम्मी कुल्फी लग रही है ना, खाने में भी फ्रेंड्स बहुत ही टेस्टी होगी। तो फ्रेंड्स ये रोल कट मावा कुल्फी बनकर रेडी हो गई है। आप ये गर्मियों की सीजन में ये होममेड मावा कुल्फी का आनंद लीजिए और घर में ज़रूर बनाइए फ्रेंड्स। और मेरी रेसिपी
को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए धन्यवाद।